कैबिनेट से भी प्रस्ताव पारित कर अब केंद्र को भेजा जा रहा है, आप सहमत हैं क्या? भाई मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ, पर ये चुनाव के वक्त जब मेरे मुख्यमंत्री को विशेष राज्य के दर्जे की मांग याद आती है, आप लोग बताइए ना 2017 से लेकर 2022 तक कितनी बार इन्होंने जिक्र किया विशेष राज्य के दर्जे का? सारे इंटरव्यूज आप लोग के पास ही होंगे उस दौरान। वो एक ऐसा दौर था जो मुझे लगता है लंबे समय के बाद बिहार की विडंबना रही है कि हमेशा विरोधाभास की सरकारें रही हैं, केंद्र में कोई और राज्य में कोई और इसीलिए कभी भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग को पूरा नहीं किया जा सका। जब बिहार में एनडीए की सरकार थी तो केंद्र में यूपीए की सरकार होती है, जब केंद्र में एनडीए की सरकार तो बिहार में महागठबंधन की सरकार। पर 2017 से 2022 का एक ऐसा दौर था जिसे हमारे प्रधानमंत्री जी डबल इंजन की सरकार कहते हैं। जब वो डबल इंजन की सरकार थी तो कितनी बार मुख्यमंत्री जी ने इस आवाज को उठाया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? क्यों नहीं गए उस वक्त मुख्यमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री के पास? क्यों नहीं इन्होंने केंद्र में उस वक्त इस मांग को रखा? क्यों नहीं उस वक्त कैबिनेट से पारित कराया? आज जब चुनाव सर पर हैं तो मेरे मुख्यमंत्री को विशेष राज्य के दर्जे की मांग की याद आती है और उसको लेकर ये आंदोलन करेंगे। 19 साल के मुख्यमंत्री आज आंदोलन करेंगे, भैया किसको झुंझुना पकड़ा रहे हो? किसको मूर्ख समझ रहे हैं? बिहार की जनता को मूर्ख समझ रहे हैं क्या? 19 साल के बाद आपको याद आ रहा है कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग की जरूरत है? और इन 19 सालों में आपने क्या किया भैया? आपने क्या किया ताकि बिहार की अर्थव्यवस्था बेहतर हो? बिहार में रेवेन्यू जनरेशन के कितने सोर्सेज आपने खोले? बिहार में प्रति व्यक्ति आय बढ़े इसके लिए आपने कितना काम किया? भैया हम तो समर्थन करते हैं, पूरी तरीके से समर्थन करते हैं, पर ये आपकी नाकामी को दर्शाता है कि 19 साल के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अगर विशेष राज्य के दर्जे की मांग करने की जरूरत पड़ती है तो ये मेरे मुख्यमंत्री की गलत नीतियों को